हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आई एम बीएल गुप्ता, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स टुडे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड स्पेलिंग स्पोकन इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्टाइल। देयर आर सम वर्ड्स हुज देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन स्टाइल, एंड देयर आर सम वर्ड्स that means is same but their words are different. So let's see these words, what is the difference between these words in both the styles. You have to prepare, you have to learn and find out the difference between these two types of styles. I am BL Gupta, welcome to all the students once again, and let's see these words. जैसा कि अब आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, देर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं, देखिए ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस। जैसे देखिए बच्चों, फ्लाई ओवर को हम अमेरिकन स्टाइल में ओवर पास बोलते हैं, लॉरी को ट्रक बोला जाता है बच्चों, और पेट्रोल को गैसोलाइन बोलते हैं हम, हैंड ब्रेक जो होते हैं उन्हें इमरजेंसी ब्रेक अमेरिकन स्टाइल में बोलते हैं, कोच जो होती है जिसमें हम ट्रेवल करते हैं बस बोला जाता है उसे अमेरिका में, ट्राउजर्स को पैंट्स बोलते हैं अमेरिका में, लेडीज़ फिंगर को हम ओकरा बोलते हैं बच्चों, स्वीट्स को अमेरिकन स्टाइल में कैंडीज बोलते हैं, जैम को हम जेली बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल में, मेज को हम कॉर्न बोलते हैं बच्चों अमेरिकन स्टाइल में, इसका मतलब मक्का होता है इंडिया में, बिस्किट्स जिसे हम आप डेली खाते हैं उन्हें अमेरिका में कुकीज़ बोलते हैं, कर्टेंस कहते हैं पर्दों को, उन्हें अमेरिकन स्टाइल में ड्रेप्स बोलते हैं बच्चों, रबिश को गार्बेज बोलते हैं, कूड़ा कचरा जो होता है, वार्डरोब को क्लोजेट अमेरिका में बोला जाता है, और वार्डरोब क्या होता है, दीवार में जो हम बनवा देते हैं अलमारियाँ उन्हें बोलते हैं, रबर जिसे आप डेली स्टूडेंट यूज़ में लाते हैं उसे अमेरिका में इरेजर बोलते हैं, और रबर बोलते हैं ब्रिटिश स्टाइल में, मीनिंग सेम है। टॉर्च को फ्लैशलाइट बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल में, कॉट चारपाई को क्रैब बोलते हैं अमेरिका में, फुटबॉल को शॉकअप बोलते हैं, फ्लैट जिनमें हम रहते हैं इन्हें हम अमेरिकन स्टाइल में अपार्टमेंट कहते हैं, कैंटीन को हम कैफेटेरिया बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल में, और पोस्टमैन को मेलमैन बोला जाता है अमेरिका में, और इंडिया में ब्रिटिश स्टाइल में पोस्टमैन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनका, जैसे कलर आ रहा है तो कलर की स्पेलिंग ब्रिटिश में COLOUR और COLOR होती है, तो ये दोनों ही सही हैं, ये अमेरिकन स्टाइल में है और ये ब्रिटिश स्टाइल में। सेंटर की स्पेलिंग देख रहे हैं CENTRE, ये ब्रिटिश स्टाइल की स्पेलिंग है, और CENTER ये अमेरिकन स्टाइल की इंग्लिश है। लिटर की स्पेलिंग में भी देखिए डिफरेंस है, तो स्पेलिंग डिफरेंस है लेकिन दोनों ही सही हैं, आप इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो कि ये सही है ये गलत है। प्रोग्राम की स्पेलिंग आप देख रहे हैं MMERI, लेकिन यहाँ पर MRI ओनली, तो ये भी सही है ये भी सही है। आमलेट की स्पेलिंग देखिए बच्चों, आमलेट की स्पेलिंग में LETE है लेकिन यहाँ LET होता है अमेरिकन स्टाइल में। एल्युमिनियम की स्पेलिंग में भी देखिए एल्यूमिनियम और यहाँ एल्यूमिनम लिखा है, तो दोनों ही की स्पेलिंग में अंतर है लेकिन अमेरिका में ऐसे लिखा जाता है और ब्रिटिश स्टाइल में इंडिया में ऐसे लिखते हैं। जजमेंट की स्पेलिंग में भी देखिए अंतर है, JUDGMENT होता है और JUDGMENT होता है अमेरिका में। एरोप्लेन की देखिए स्पेलिंग हम जनरली यही लिखते हैं, यहाँ एयरप्लेन होता है स्पेलिंग, अमेरिका में बोल सकते हैं। ज्वेलरी की स्पेलिंग भी देखिए यहाँ अलग है और यहाँ अलग है अमेरिका में। और देखिए ये इंटरवल वर्ड है, जैसे फिल्मों में इंटरवल होता है, तो इंटरवल को हम इंडिया में ब्रिटिश स्टाइल में ये स्पेलिंग होती है लेकिन अमेरिका में इसी वर्ड को इंटरमिशन कहा जाता है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपको मैंने डिफरेंस करके बताया कि कुछ स्पेलिंग डिफरेंस हैं और कुछ के प्रोनाउंसिएशन सेम हैं ये और स्पेलिंग अलग हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ही अलग हैं जिनका मीनिंग सेम है बट उनके शब्द और वर्ड्स अलग हैं। तो ये आपका मैंने आज आपको ये बताया और समझ रहा हूँ सभी को समझ में आया होगा। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर बस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आज के लिए इतना ही।
और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।